तो 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ राज्य को 22 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में मौके पर 1 नवंबर से 3 नवंबर तक राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दिन रात जुटी हुई है। जिसकी तैयारी का निरीक्षण करने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे, जिन्होंने मैदान बनाए जा रहे PWD विभाग द्वारा स्टॉल का और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने अच्छे से जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित भी किया। अब आपको बता दें कि इस आदिवासी नृत्य महोत्सव में देश विदेश से कलाकार पहुंचते हैं, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग राजधानी पहुंचते हैं। लोगों को इस महोत्सव का बेसब्री से इंतजार होता है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देशानुसार राज्योत्सव के अवसर पर पिछले वर्षों से विश्व आदिवासी दिवस का भी आयोजन किया जाता है और इसमें हमारे देश के प्रत्येक प्रदेशों से जो आदिवासी संस्कृति का के ध्वजवाहक हैं उनको आमंत्रित किया जाता है, विदेशों से भी आमंत्रित किया जाता है। बहुत अच्छा कार्यक्रम लगातार विगत वर्षों से हो रहा है। कोरोना काल के बाद इसमें बढ़ोतरी वृद्धि होनी संभव है, इसीलिए तैयारियां किस ढंग से हुई क्या हुआ, हमारे विभागों का भी स्टॉल लगना होता है तो उसको भी देखने